नाम प्रणव पॉल है, हम ब्लैक बेल्ट धान वन हैं। मेरे को 4 ईयर्स के प्रैक्टिस के बाद ब्लैक बेल्ट मिला है और मेरा एम है कि हम और भी ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करें और उसमें जीते, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जा सकें, इसके लिए और मेहनत करें, यही मेरा लक्ष्य है। ब्लैक बेल्ट हासिल किए बहुत कड़ी मेहनत के बाद मेरे को ये ब्लैक बेल्ट मिला और हम इस खेल में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, शार्क गेम्स तक खेलना चाहते हैं कराटे में। सेल्फ डिफेंस आज के डेट में लड़के लोग के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ताकि लड़के लोग किसी पे डिपेंड ना, इंडिपेंडेंट बने, किसी पे डिपेंड ना रहे। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे आदमी को हम लोग ऑनर किए हैं जिनके माध्यम से जमशेदपुर शहर को हर तरह का जानकारी, हर तरह का सपोर्ट मिलता है। पुतुल सर के बारे में जितना ही बोले वो कम है और इसलिए आज हमारे बच्चे लोग जो है सब यहाँ पे इकट्ठा होकर उपस्थित होकर उनके ऑफिस में। कितने बच्चे ब्लैक बेल्ट को मिले हैं और एग्ज़ाम कब हुआ? टोटल हमारे बच्चे 13 बच्चे हैं जो जमशेदपुर के ही हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और बहुत कठिन मेहनत करके 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद उनको ब्लैक बेल्ट मिला है। हमारे ऑल जापान कराटे गुजुरी का है जो मान्यता प्राप्त ऑफ द जापान एंड द जापान कराटे फेडरेशन, उनके माध्यम से सर्टिफिकेट का एक बहुत वैल्यू है क्योंकि आज के दिन में कराटे यूनिवर्सिटी में भी है और ओलंपिक्स में भी है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स अभी खेलो इंडिया में हुआ था जिसमें हम गए थे बेंगलुरु, रेफरी बन के झारखंड से एकमात्र हम थे। तो हमारे हम चाहते हैं कि आने वाले दिन में हमारे बच्चे भी यहाँ से जाए खेलो इंडिया में और मेडल लाए, इसके लिए लोग तैयारी भी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा और स्टेट नेशनल में बहुत सारे लोग जीते भी हैं और आने वाले दिन में और भी बड़ा टूर्नामेंट ये लोग जीतेंगे। और मेरे साथ नीरज है जो कोच है, मेरे असिस्टेंट कोच है, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, बच्चे लोग को गाइड करते हैं, उनके माध्यम से काफ़ी स्कूल्स में और कम्युनिटी सेंटर में भी सिखाया जाता है।